बड़ी अपडेट की बात कर लेंगे। सिद्धू मूसेवाला से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। सिद्धू मूसेवाला के भाई का जन्म हुआ है। मूसेवाला की मां चरण कौर ने एक बेटे को जन्म दिया है। मूसेवाला के पिता ने सोशल मीडिया पर एक तस्वीर पोस्ट की, जहां उन्होंने लिखा कि भगवान की कृपा से शुभदीप का छोटा भाई हमारी झोली में आया है। मां और बेटा दोनों ही स्वस्थ हैं। 2022 में आपको बताएं कि सिद्धू मूसेवाला की हत्या कर दी गई थी, और उसके बाद से ही सिद्धू मूसेवाला का परिवार लगातार गमगीन था। लेकिन अब जो जानकारी आ रही है वो ये कि सिद्धू मूसेवाला के घर में किलकारियां गूंजी हैं। सिद्धू मूसेवाला के भाई का जन्म हुआ है। मूसेवाला की मां चरण कौर ने एक बेटे को जन्म दिया है। मूसेवाला के पिता ने सोशल मीडिया पर एक तस्वीर पोस्ट की है। जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये सिद्धू मूसेवाला का छोटा भाई है। और आपको बताएं कि सिद्धू मूसेवाला के पिता ने सोशल मीडिया पर लिखा कि भगवान की कृपा से शुभदीप, यानी कि सिद्धू मूसेवाला का असल नाम शुभदीप था, और हमारी झोली में शुभदीप का छोटा भाई आया है, और बेटा दोनों माँ और बेटा दोनों स्वस्थ हैं। हम सीधा हमारे सहयोगी उमेश शर्मा हमारे साथ चंडीगढ़ से जुड़ गए हैं। उमेश, सिद्धू मूसेवाला का छोटा भाई आया है, क्या पूरी जानकारी है? किस तरह से खुशी देखी जा रही है परिवार में? देखिए, बिल्कुल, आज सुबह बठिंडा के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में, जहां पर ये पूरा ट्रीटमेंट इनका चल रहा था, वहीं पर चेकअप्स होते थे। सुबह 5 से 5:30 के बीच में चरण कौर ने एक बेटे को जन्म दिया, और बलकौर सिंह ने आज सुबह सोशल मीडिया पर जो लाइनें लिखी, जो कैप्शन लिखा, वो अपने आप में काफी एक भावुक भी है। क्योंकि देखिए, जिस तरह से 2022 में जब हत्या हुई थी और उसके बाद से परिवार काफी गमगीन रहा, तमाम परेशानियां झेली, और ये चर्चाएं भी काफी चली। हालांकि जिनको पता था अंदर खाते के प्रेग्नेंट हैं चरण कौर, और वो अक्सर आके कहते हैं सोशल मीडिया पर कि अफवाहों पर ध्यान ना दे, जब भी कोई जानकारी होगी वो कुछ साझा करेंगे, और फाइनली आज उन्होंने सोशल मीडिया पर आकर कह दिया। बहुत बड़ा डिसीजन था, और इतने बड़े लॉस के बाद इतना बड़ा कदम उठाना, इस बारे में सोचना, जाहिर तौर पर ये हिम्मत की बात है। ऐसे में क्या बलकौर सिंह से इस पूरे मसले पर आपकी कभी कोई बातचीत हो पाई है? जी देखिए, बिल्कुल, पहले भी जब भी बलकौर सिंह जी से फोन पर बात होती थी, वो ये कहते थे कि जो निर्णय होगा, यानी कि जो फैसला होगा, वो परिवार के हित में लिया जाएगा। और एक बात मैं यहाँ पर साफ कर देना चाहता हूँ, और जिक्र भी करना आज जरूरी होगा, कि ये जो डिसीजन है ये काफी पहले ले लिया गया था और सोच समझ कर लिया गया था। क्योंकि देखिए, एकमात्र लड़का सिद्धू मूसेवाला उनके परिवार में था, और काफी जिस तरह से नाम कमाया, काफी एक अपना जो मुकाम हासिल किया, उसको लेकर कहीं ना कहीं दबाव भी था कि क्या अब आगे होगा, क्या एक और परिवार में कहीं वारिस की आस तो नहीं थी परिवार को? जी बिल्कुल, देखिए, आप सीधा कह सकते हैं कि वारिस की आस थी। साथ साथ देखिए, जो एक साम्राज्य खड़ा किया है सिद्धू मूसेवाला ने अपने गायकी के जरिए, अपने परिवार को एक अलग ही मुकाम दिया। एक गांव का लड़का, किस तरह से गांव के बाहर एक जो हवेली है मूसेवाला गांव, मूसेवाला देखिए गांव का नाम है सिद्धू, शुभदीप सिंह था, तो वो पूरा साम्राज्य की बात करें चाहे उसकी वारिस की बात करें, तमाम हम कह लें, लेकिन एक परिवार का निर्णय जरूर लिया गया था, और ये सबको पता था कि ये होने वाला है। हालांकि ये था कि कब सामने आके जानकारी दी जाएगी। पर बठिंडा के निजी अस्पताल में ट्रीटमेंट चला, चेकअप चला, और वहीं पर आज सुबह 5 से 5:30 के बीच में शुभदीप के छोटे भाई का जन्म, यानी कि सिद्धू मूसेवाला के परिवार में एक लंबी उदासी के बाद उमेश अब किलकारियां, खुशियों की किलकारियां गूंजी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।